नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सेमी वॉशिंग मशीन है। इसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। इसका टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन इसका जो वॉश ड्रम का जो पल्सेटर है वो घूमता नहीं है। इस टाइमर से आवाज़ तो आती है, यानी कि टाइमर काम कर रहा है ऐसा लगता है, लेकिन इस मशीन का पल्सेटर घूम नहीं रहा है, यानी कि इसकी मोटर चालू नहीं है। और इसका जो स्पिन मोटर है ये काम कर रहा है, ये मैंने चेक कर लिया है पहले से ही, ये काम कर रहा है, लेकिन वॉश मोटर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पीछे का पैनल खोल दिया और यहाँ जो इसका सॉकेट रहता है वॉश मोटर का, उसको मैंने अलग करके वॉश मोटर के जो वाइंडिंग के कनेक्शंस है वो सभी मैंने चेक कर लिए मल्टीमीटर से, तो मुझे वाइंडिंग में कुछ ख़राबी नहीं लगी। तो सोचा कि इस टाइमर में कुछ ख़राबी हो सकती है, इसलिए मैंने इस पैनल को भी खोल दिया और इसके अंदर का जो टाइमर के कनेक्शंस है वो भी मैंने डिसकनेक्ट करके टाइमर को भी चेक कर लिया है। ठीक है, इस टाइमर में देखिए यहाँ टोटल चार वायर होते हैं। चार वायर में से एक वायर जो है जिसको लग्स लगा हुआ है ये बजर की वायर होती है, और बाकी जो तीन वायर होते हैं ये टाइमर के होते हैं। इसमें से ब्लैक वायर जो है मेन है, और येलो और रेड वायर दोनों हैं, ये कैपेसिटर के लिए जाती है फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन के लिए। ठीक है, तो इस टाइमर को कैसे चेक करते हैं मैं आपको बाहर निकाल के इसको चेक करके दिखाता हूँ। और इस जगह हम नया टाइमर भी लगवा देंगे, नया टाइमर भी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइमर को निकालने के लिए इस पैनल के ऊपर जो इसका टाइमर का नॉब है इसको पहले निकालना होगा, उससे पहले आप टाइमर को नहीं निकाल सकते हैं। तो टाइमर का नॉब मैंने निकाल दिया है। अब देखिए, इस टाइमर को यहाँ से मैं निकालता हूँ और इस टाइमर की जगह हमें नया टाइमर लगवाना है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, यहाँ एक स्क्रू लगा होता है और दूसरी साइड इसका लॉक होता है, तो एक स्क्रू निकलने के बाद ये टाइमर जो है यहाँ से निकल जाएगा। टाइमर को मैंने निकाल दिया है। अब मैं इस टाइमर को और नए टाइमर को दोनों को चेक करके दिखा दूंगा कि टाइमर, ये जो फोर वायर वाला टाइमर होता है ये किस तरह से इसको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए टाइमर को पहले चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे रखता हूँ और मल्टीमीटर को पहले चेक करता हूँ उसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, मल्टीमीटर ठीक तरह से काम कर रहा है। अब चलिए ये जो मैंने मशीन से निकाला हुआ टाइमर है इसको चेक करते हैं। अब क्या करना है, देखो ये जो लग्स लगा हुआ है ये बजर के वायर छोटे हैं, और तीन वायर में से ब्लैक वायर मेन है और रेड और येलो वायर को बारी बारी से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइमर को ऑन कर देना है। टाइमर ऑन हो गया। अब मल्टीमीटर की एक प्रोब ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट करनी है और दूसरी प्रोब है, एक बार हम रेड के साथ चेक करेंगे और दूसरी बार येलो के साथ चेक करेंगे। तो मैं अभी ब्लैक वायर और रेड वायर के दोनों में ये रीडिंग चेक कर रहा हूँ। इसमें मीटर में कोई आपको हलचल नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि जो कंटिन्यूटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। अभी येलो के साथ भी मैं चेक करता हूँ, येलो के साथ भी आपको कोई रीडिंग नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से डेड हो चुका है टाइमर। ठीक है, अब मेरे पास नया टाइमर है, इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये जो, सबसे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ इसको, इस टाइमर को भी मैंने ऑन कर दिया। इसके भी जो लंबे वाले तीन वायर है इसमें से ब्लैक वायर मेन है और रेड और येलो कैपेसिटर के लिए जाते हैं मोटर के, इनके भी कलर कोड सेम है। तो एक प्रोब ब्लैक वायर पे रखना है, अब दूसरा प्रोब रेड वायर के ऊपर रखना है। अभी देखिए मीटर रीडिंग शो कर रहा है, मतलब यानी कंटिन्यूटी शो हो रही है। ये कंटिन्यूटी थोड़ी देर के लिए रहती है और थोड़ी देर के लिए फिर डिसकनेक्ट हो जाती है,
अभी देखिए यहाँ कंटिन्यूटी आ गई, ये कुछ सेकेंड्स के लिए कंटिन्यूटी रहेगी और बाद में फिर डिसकनेक्ट हो जाएगी, और कुछ सेकेंड के बाद फिर कंटिन्यूटी आएगी। इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। यानी कि रेड वायर का जो सप्लाई है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, ब्लैक और येलो में से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे कि ब्लैक और रेड में जैसा कनेक्ट उसी तरह से येलो के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। देखो कुछ देर के लिए कंटिन्यूटी आती है और कुछ देर के लिए कंटिन्यूटी चली जाती है। इसका मतलब है ये जो टाइमर है ये सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन जो पहले जो हमने मशीन से टाइमर निकाला है उसमें से कोई कंटिन्यूटी आती भी नहीं थी और डिसकनेक्ट भी नहीं, मतलब कुछ डेड ही पूरा कंडीशन जो है उसका डेड था। इस तरह से ये कनेक्ट डिसकनेक्ट होता रहता है, तभी एक टाइमर जो है ये ठीक तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइमर को मैं सबसे पहले मशीन के अंदर फिट करवाता हूँ। जैसे हमने पहले वाले टाइमर को निकाला था उसी सेम प्रोसेस से इसको वापस बिठाना है, और जो बजर के कनेक्शंस हैं वो भी करने हैं। इसके जो वायर्स हैं ये थोड़े लंबे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसके वायर थोड़े काट के पुराने वायर के साथ सब वायर्स को कलर कोड के हिसाब से कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसका जो बजर का जो लग्स है वो पुराने वाला लग्स थोड़ा अलग है, तो पुराने वायर का लग्स काट के मैं इसको लगवाया हूँ, ठीक है। इस तरह से इस टाइमर के जो वायर के कनेक्शंस हैं ये पूरी तरह से मैंने करवा के ले लिए हैं। अब क्या करना है, ऊपर का जो नॉब है वो बिठा के पैनल को बिठा के मशीन को हम एक बार चेक करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने बजर का भी कनेक्शन कर लिया है और बाकी के जो टाइमर के तीनों कनेक्शंस हैं वो भी कर लिए हैं। अब पैनल बिठाना है, और पैनल बिठाने के बाद वॉश टाइमर का नॉब है इसको भी लगवाना है, और एक बार हम मशीन को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये टाइमर जो है अभी ये सही काम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है, अब वॉश टाइमर को ऑन करके इस मशीन का वॉश ड्रम का जो पल्सेटर है ये देखिए, ये पल्सेटर अभी घूमने लगा है, पहले घूमता नहीं था, और ये एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरह से इसका ये काम चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेमी वॉशिंग मशीन का टाइमर किस तरह से चेंज करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं।